तो हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो मिस मार्वल का एपिसोड 5 भी आ चुका है। तो जैसा कि उम्मीद थी पिछला एपिसोड देखकर कि हमें इस एपिसोड में क्या देखने को मिलने वाला है, वही हमें इस एपिसोड में देखने को मिल जाता है। काफ़ी प्रेडिक्टेबल था ये पूरा का पूरा एपिसोड और अब तक का इस सीरीज़ का सबसे एवरेज एपिसोड लगा मेरे को। तो पिछले वाले एपिसोड के लास्ट में जो दिखाया था कि कमाला खान टाइम ट्रेवल करके पास्ट में चली जाती है, तो वहाँ पर समझ में आ गया था उस सीन को देखने के बाद कि हमें क्या देखने को मिलेगा। तो उसकी नानी की जो मदद की थी सितारों ने उसके पापा से मिलवाने में, तो वो काम कोई और नहीं बल्कि कमाला खान ही करेगी। तो वही चीज़ हमें इस एपिसोड में देखने को मिलती है। और दूसरी बात जो इस एपिसोड में दिखाया है ना, जब पास्ट में स्टोरी जाती है 1942 के टाइम में और जो पार्टीशन वाला एंगल इन्होंने जोड़ा है, जो भी कुछ घटनाक्रम उस समय का इन्होंने जिक्र किया है, वो पूरी तरीके से ही वन साइडेड था। मेरे को तो देखकर ऐसा ही फील हुआ और वो चीज़ दिखाकर इन्होंने इस सीरीज़ को उस नज़रिए से देखने पर मजबूर कर दिया कि यह पाकिस्तानी क्रिएटर द्वारा बनाई हुई एक सीरीज़ है। तो मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि आखिरकार अपनी औकात पर आ ही गए। तो भाई उनसे उम्मीद ही क्या की जा सकती है, खैर छोड़ो उस बात को। तो अपन बात करते हैं कि आखिर हमें इस एपिसोड में क्या देखने को मिलता है। तो एपिसोड की शुरुआत होती है हिस्ट्री का थोड़ा सा पार्ट दिखाते हुए। भारत अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था और नेहरू जी का भाषण भी हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ हमको पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था उसका भी जिक्र होता है। फिर उसके बाद जो वो कहानी जाती है 1942 के टाइम में, जहाँ पर आयशा किसी अंग्रेज से भाग रही होती है और उसको निपटा देती है, और फिर सामने ही उसको वहाँ पर फवाद खान का किरदार नज़र आता है जो कि लोगों को भाषण दे रहा होता है जी को लेकर। तो फवाद खान ने इसमें हसन का रोल प्ले किया है, यानी कि कमाला के परनाना का। और फिर जो है वो आयशा और हसन में प्यार मोहब्बत होता है, दोनों की शादी होती है भैया, और फिर उनको बच्ची होती है सना। और फिर एक रात को जो नजमा भी आयशा को ढूंढने में कामयाब हो जाती है और उससे कहती है कि भैया वो कंगन कहाँ है, हमें वापस घर जाना है, वो कंगन मुझे दे दो। लेकिन आयशा कहती है कि मैंने उसको कहीं छुपा दिया है, तो बाद में जो है वो मैं तुम्हें मिलती हूँ। उसके बाद आयशा डिसाइड करती है कि यहाँ से निकलना है। फिर उसके बाद जो है वो वही स्टेशन वाला सीन आता है और यहाँ पर जो है वो आयशा हसन को अपनी सच्चाई भी बताती है और वो कंगन सना को देती है और हसन को कहती है कि तुम इसको लेकर निकल जा। और हसन वहाँ पर चला जाता है सना को लेकर ट्रेन में बिठाने के लिए, तभी वहाँ पर नजमा आ जाती है जो कि आयशा को अपने चक्कू से मार देती है। और उसी समय जो वो सना भी बिछड़ जाती है अफरा तफरी में हसन से। आयशा यहाँ पर जो कि घायल अवस्था में पड़ी होती है, वो अपने कंगन की पावर को एक्टिवेट कर देती है और वो जो उसके पास फोटोग्राफ होता है उसकी फैमिली का, उसको देखते हुए वही चीज़ कहती है जो उस कंगन पर लिखी होती है कि तुम्हारी मंजिल तुम्हें आग ढूंढ ही लेगी। फिर उसके बाद जो है कमाला टाइम ट्रेवल करके वहाँ पर आ जाती है और वो आयशा से मिलती है। फिर कमाला जो है वो अपनी नानी को उसके फादर से मिलवा देती है। और फिर इसके बाद जो है वो कमाला वापस प्रेजेंट टाइमलाइन में पहुंच जाती है जहाँ पर नजमा से उसकी फाइट हो रही थी उसी जगह पर। और उसी जगह पर जो है वो न्यू डायमेंशन का दरवाज़ा भी खुल जाता है, जिसे देखकर नजमा की साथी उसमें जाने की कोशिश करती है लेकिन वो दरवाज़ा उसको भस्म कर देता है। कमाला यहाँ पे जो है वो दरवाज़ा बंद करने का प्रयास करती है लेकिन नजमा उसको रोकना चाहती है, लेकिन कमाला उसको कामरान की दुहाई देती है कि भैया मत करो ऐसा, मुझे दरवाज़ा बंद कर लेने दो। लेकिन नजमा नहीं मानती है, वो डिसाइड कर चुकी है कि वो अपने घर वापस जाएगी। लेकिन उस डायमेंशन में जाने से पहले वो कामरान का नाम लेती है और कामरान के पास जो है उसकी पावर पहुंच जाती है। और जब नजमा उसके अंदर जाने की कोशिश करती है तो वो भी वहाँ पे भस्म हो जाती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो क्लैंडेस्टाइन वाली पूरी पार्टी थी वो ख़त्म हो चुकी है सिवाय कामरान को छोड़कर। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे कमाला की माँ और नानी भी आ जाती है उसको ढूंढते हुए, और कमाला की माँ को फाइनली उसकी पावर के बारे में पता चल जाता है। खैर इसके बाद जो है कमाला अपनी नानी को वही फोटोग्राफ देती है जो उसको आयशा ने दिया था। तो ये चीज़ देखकर मेरे दिमाग में ये बात आई कि यहाँ पर एक तगड़ा वाला लूपहोल हो चुका है। अगर कमाला पास्ट में जाके आयशा से वो फोटोग्राफ लेकर आ चुकी है तो फिर उसकी नानी के पास वो फोटोग्राफ कहाँ से आया जो वो कमाला को दिखा रही थी, वही सेम फोटोग्राफ। फिर इसके बाद जो है वो कमाला करीम को भी थैंक यू कहती है उसकी मदद करने के लिए, और करीम जो है वो उसको अपना स्कार्फ दे देता है और वो भी यहाँ से निकल जाता है। फिर उसके बाद कमाला भी अपने घर निकल जाती है नानी के। इसके बाद जो है हमें US वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कामरान जो है वो ब्रूनो के पास जाता है और उससे कहता है कि भाई कुछ दिन मुझे अपने साथ रख ले DODC से बचा के। तभी वहाँ पर DODC वाले आ जाते हैं अपने वही ड्रोन लेकर। उनको देखकर कामरान अपनी पावर का इस्तेमाल कर देता है और उसके बाद
जो है वो डीओडीसी वाले एक मिसाइल छोड़ देते हैं, जिससे कि वो ब्रूनो का जो भी दुकान था वो ब्लास्ट हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके बाद जो है फिर इस सीरीज का लास्ट एपिसोड ही बचा हुआ है, अब जो है वो कमाला डीओडीसी वालों से फाइट करेगी और वो अपना पूरा कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम पहन के पूरे अपने मिस मार्वल के अवतार में आ जाएगी, लेकिन अभी तक उसको मिस मार्वल नाम नहीं दिया गया। तो हो सकता है शायद हमें लास्ट एपिसोड में कैप्टन मार्वल का कैमियो देखने को मिल जाए जो कि इसको नाम दे मिस मार्वल। तो ओवरऑल कहा जाए तो ये वाला एपिसोड ठीक ही था, इतना कुछ खास मुझे लगा नहीं। और जो टाइम ट्रेवल का थ्योरी इन्होंने इसमें घुसेड़ा है वो बिल्कुल ही प्रिडिक्टेबल था, समझ में आ गया था क्या देखने को मिलेगा। तो तुम्हारी क्या राय इस एपिसोड को लेकर तुम अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। चलिए फिर यहीं पर रैप अप करते हैं इस वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं हूं विवेक और तुम देख रहे हो सुनेमैन रिव्यूज। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।